जिनोम इंडिया का पावटा में लगा 3 दिवसीय शिविर में जोधपुर एम्स के स्टाफ द्वारा शिविर में कुछ जाति विशेष के लोगों के लिए खून के सैंपल और डॉक्टर जयराम यादव और डॉक्टर दौलत सिंह शेखावत ने बताया, भारत सरकार द्वारा संचालित ये शिविर पूरे भारत में लगाई जा रही है, जो क्रमश सभी जातियों के आधार पर होगा सर्वे। इसके साथ ही सर्वे में वंशानुगत होने वाली रोगों की जानकारी का होगा सर्वे। बाद में सरकार इसके उपचार पर काम करेगी। शिविर में लोगों के खून के सैंपल लिए जा रहे हैं और बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी सहित अधिकांश जांचें निःशुल्क की जा रही है। लोगों को जांच का कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा, जिससे लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ब्लड सैंपल कलेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट डीएनए इस वर्कशॉप में एम्स से आए हुए डॉक्टर दौलत, डॉक्टर धर्मवीर जी और इनके जो मेन डीन है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ कुलदीप जी, उनके सानिध्य में यहाँ विभिन्न जातियों का हम ब्लड सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं। उस ब्लड सैंपल कलेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज करेंगे, दूसरा पार्ट बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करेंगे। जो डीएनए सीक्वेंसिंग है जिसको ये जीनोम